दिल्ली में कोरोना के बढ़ते कहर के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर में घरों में पिज्जा डिलीवरी का काम करने वाला शख्स कोरोना संक्रमित पाया गया। उसकी रिपोर्ट सामने आते ही प्रशासन ने उन 72 घरों को क्वारंटीन कर दिया है जो डिलीवरी बॉय के संपर्क में आए थे। इसकी जानकारी जिलाधिकारी ने दी। बताया जा रहा है कि संक्रमित शख्स की रिपोर्ट उन्हें 14 अप्रैल को मिल गई थी, जिसके बाद उन घरों की पहचान की गई जहां उसने डिलीवरी की थी। इसके बाद 72 घरों को क्वारंटीन कर दिया गया है। इस शख्स में कोरोना के लक्षण थे और वो एहतियात बरतते हुए कई सरकारी अस्पतालों में टेस्ट कराने गया। हालांकि उसकी कोई ट्रेवल हिस्ट्री न होने के चलते उसे बिना टेस्ट किए अस्पताल से लौटाया जाता रहा। जब उसकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई तो उसका टेस्ट हुआ, जिसमें वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया। मिली जानकारी के अनुसार डिलीवरी बॉय जिनके लिए काम करता है उनके रिकॉर्ड से पता चला है कि पिछले 15 दिनों में उसने किन किन घरों में डिलीवरी की थी। उन 72 घरों में रहने वाले लोगों को होम क्वारंटीन में रहने के लिए कहा गया है। डिलीवरी बॉय के रूममेट का भी परीक्षण किया गया है, जिसकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है। इस पूरे मामले में स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। एक पिज्जा बॉय पॉजिटिव पाए गए हैं, उसके लिंक में जितने भी उसके साथी थे, डिलीवरी बॉय थे, उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रखा गया है 17 लोगों को, और 72 लोगों को होम क्वारंटाइन में रखा गया है। दिल्ली में आज 1578 केस हैं, जिसमें कल 17 नए केसेस जुड़े हैं, तो कुल मिलाकर 1578 है, जिसमें से 32 लोगों की डेथ हो चुकी है। 867 लोग अभी हॉस्पिटल्स में एडमिट हैं, जो हमारे बड़े हॉस्पिटल्स में हैं। 29 उसमें से आईसीयू के अंदर हैं और 5 वेंटिलेटर के ऊपर हैं। सर, कल मौलाना आजाद कॉलेज का भी एक मामला आया था, जिसमें डॉक्टर पॉजिटिव पाए गए थे, क्या है अभी इसको देख रहे हैं? मतलब देखो, हमारे हेल्थ वर्कर्स पूरी दिल्ली के अंदर 10-15-20 के करीब हो चुके हैं, जो भी है उनका इलाज किया जाएगा। पिछले 24 घंटे में सिर्फ 17 नए केस आए हैं सामने पॉजिटिव। दो डेथ हुई हैं, तो अभी कुल मिलाकर 1578 केसेज हैं, जिसमें से 1080 जो हमने पहले भी बताया था मरकज से रिलेटेड है। बता दें कि बाकी लोगों में कोई लक्षण नहीं है तो उन्हें इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रखा गया है। होम क्वारंटीन किए गए लोगों में भी कोई लक्षण अभी तक नहीं पाए गए। जब तक कोई पॉजिटिव मामला सामने नहीं आता, तब तक ये माना जा रहा है कि ट्रांसमिशन नहीं हुआ है। वहीं डिलीवरी बॉय की पिछले 30 दिनों की पूरी गतिविधियों का भी पता लगाया जा रहा है। वीडियो डेस्क, amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।